दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। धूल ने दिल्ली वालों का दम घोट दिया है। प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि प्रदूषण नापने की मशीन भी फेल हो गई है। यहाँ तक कि जल छिड़काव का भी कोई असर नहीं हो रहा। आज कई जगह पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन हालात काबू में नहीं हुए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले 3 दिन लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि PM10 का स्तर खतरनाक लेवल पर बना रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। हर तरफ बस धूल ही धूल है। अब तो आलम यह है कि धूल के गुबार ने सूरज को भी धुंधला कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण से आम जनता भी परेशान है। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली की हवा में धूल के कणों का स्तर इतना अधिक है कि अगर कोई इंसान 5 घंटे भी हवा में सांस लेता है तो उसे अस्थमा जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। धूल ने न सिर्फ लोगों की सांसों पर पहरा लगा दिया है, बल्कि यातायात सेवा भी बाधित हो रही है। प्रदूषण की वजह से कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। अब तो हालात यह है कि प्रदूषण नापने की मशीन भी फेल हो गई है। NCR में सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा है। यहाँ एयर इंडेक्स 500 रहा, जबकि गुरुग्राम में 485, नोएडा में 390, गाजियाबाद में 384 एयर इंडेक्स दर्ज हुआ। वहीं प्रदूषण को रोकने के लिए 17 जून तक दिल्ली में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाई जाएगी। सड़क के किनारे पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले 3 दिन लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि PM10 का स्तर खतरनाक लेवल पर बना रहेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।